सो हे गाइस वेलकम वेलकम बैक दिस इज अनमोल शुक्ला एंड वेरी वार्म टू माय YouTube चैनल हिस्ट्री विद मी आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स का आपस में क्या रोल है क्या रिलेशन है वो भी हम समझेंगे तो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देखना है साथ ही फ्योर चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल का आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्योंकि वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हो सकती हैं सो लेट्स अब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है बिजनेस एथिक्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या रोल है ये हम पढ़ने जा रहे हैं तो लेट्स स्टडी दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस is a set of system and practices to ensure that the affairs of the company are being managed in a way which ensures accountability transparency fairness in all its transactions in the widest sense and meet its stakeholders aspirations and societal expectations सर आपने क्या बोल दिया कुछ भी समझ में नहीं आया तो ठीक है ध्यान से समझो ऊपर ऊपर से समझो वर्ड्स पर ध्यान मत दो पहले पहले इधर ध्यान दो सुनो सिर्फ देखो कॉरपोरेट गवर्नेंस बेसिकली सिंपल शब्दों में अगर बोलूँ तो ये एक सिस्टम होता है एक सिस्टम बनाया गया गवर्नेंस का मतलब ही होता है गवर्नेंस का मतलब अगर आप देखोगे जाके के विकीपीडिया में भी या कहीं से भी तो गवर्नेंस बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू कोई चीज़ कंट्रोल की जाती है गवर्न करते हैं ना लोग गवर्न का मतलब होता है कि कोई चीज़ कंट्रोल करना गवर्न करके कोई चीज़ हम कंट्रोल कर रहे हैं सिस्टमेटिक वे में डायरेक्ट कर रहे हैं ना वॉट डू यू मीन बाई कारपोरेट गवर्नेंस तो कॉरपोरेट गवर्नेंस अब कंपनी में गवर्नेंस होने लगे जब या कंपनी को डायरेक्ट या कंट्रोल किया जाए सो so वो कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है सो कॉरपोरेट गवर्नेंस बेसिकली एक सिस्टम है जिसके थ्रू कंपनीज को डायरेक्ट या कंट्रोल किया जाता है क्या बोला मैंने कॉरपोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है सेट ऑफ सिस्टम है प्रैक्टिस हैं ये इंश्योर करने के लिए कि भाई कंपनी में जो अफेयर्स हैं वो क्या अच्छी तरीके से मैनेज हो रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए क्या इंश्योर करने के लिए एक रिस्पॉसिबिलिटी को ट्रांसपेरेंसी को कि भाई चीज़ें ट्रांसपेरेंट वे में हो रही है क्या सोसाइटी के लिए ये चीज़ें हार्मफुल तो नहीं है या किसी इम्प्लॉयी के साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है एम्प्लॉय इं, या किसी कस्टमर के साथ तो धोखाधड़ी नहीं हो रही है फेयरनेस देखना इन ऑल इट्स ट्रांजेक्शन इन द वाइजेस्ट सेंस और शेयर होल्डर्स की एस्पिशंस को भी मीट करना सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को भी मीट करना यही कॉरपोरेट गवर्नेंस का काम है बेसिकली कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब यही है इट्स अ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू नो द गवर्नेंस ऑफ़ गवर्नेंसर कंपनीज शेयर होल्डर्स का जो रोल है इन गवर्नर इन गवर्नेंस उनका क्या रोल है कि वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं टू सेटिस्फाई दैमसेल्व विद इन सम पार्ट ऑफ द कंपनी सो कॉरपोरेट गवर्नेंस बेसिकली एक सिस्टम है और बेसिकली कुछ प्रैक्टिसज हैं ये इंश्योर करने के लिए भाई कंपनी में ठीक तरीके से काम हो रहा है कि नहीं क्या कंपनी में जो मिशन और विजन था उसके हिसाब से काम हो रहा है कि, हो रहा है कि नहीं क्या कंपनी किसी भी तरीके से किसी भी किसी भी इंसान की या किसी भी एम्प्लॉय की या किसी भी कंज्यूमर की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुँचा रही है सो so, अब पढ़ते हैं ऊपर ऊपर से मैंने क्लैरिटी देने की कोशिश की आसान भाषा में तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ अ सेट ऑफ सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस ये सेट ऑफ सिस्टम है या प्रैक्टिस है ये इंश्योर करने के लिए दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बींग मैनेज इन अ वे कि भाई कंपनी के जो भी ऑपरेशन हैं जो भी अफेयर्स हैं वो मैनेज किए जा रहे हैं इस तरीके से विच इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन ऑल इट्स ट्रांजेक्शन वाइजेस्ट सेंस में एंड मीट्स इज मीट इट्स शेयर होल्डर्स एस्पिरीशन एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन क्या कंपनी शेयर होल्डर्स की जिन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनकी एस्पिरेशन को एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पा रही है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को क्या मीट कर पा रही है अगर नहीं भी मीट कर पा रही है तो किसी भी तरीके से हम तो नहीं कर रही ये सारा कॉरपोरेट गवर्नेंस में हम देखते हैं सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है वंस अगेन ये एक सिस्टम है बाई विच कंपनीज को डायरेक्ट या कंट्रोल किया जाता है सो द डिमांड ऑफ गवर्नेंस रिक्वायर प्रोफेशनल्स टू रेज देर कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी लेवल्स टू मीट द एक्सपेक्टेशन इन मैनेजिंग द एंटरप्राइज एंड इट्स रिसोर्स इफेक्टिवली विद हाइस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स तो जो कॉरपोरेट गवर्नेंस की इतनी डिमांड आज कल के मॉडर्न बिजनेस में चल रही है सो दैट डिमांड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस ये दिस दे, दे, रिक्वायर प्रोफेशनल्स कि वो अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाएँ कैपेबिलिटी को बढ़ाएँ कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी लेवल को बढ़ाएँ टू मीट दी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए किससे रिगार्डिंग इन मैनेजिंग दाइज एंड ऑल्सो का भी ऑप्टिमेशन हो सके विध दाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स एक बार जब रीड करोगे ये पूरा जो भी मैंने यहां पर लिखा है तो अब आपको हंड्रेड परसेंट समझ में आ जाने वाला है कि मैंने क्या कहा आगे चलते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स समझते हैं इस बात को ए कंपनी इज कैरेक्टराइज बाई इट्स एथिकल कल्चर अब मैंने एथिकल कल्चर जो है उसी से कहीं ना कहीं कंपनी को कैरेक्टराइज किया जाता है किसी पर्टिकुलर कंपनी में अगर इम्प्लॉय के एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं तो हम बोलते हैं कि भाई इसके जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है इस कंपनी में इंप्लॉयज़ भी खुश रहते हैं एम्प्लॉयर मोटिवेट करते हैं फैसिलिटीज दी जाती है कंपनीज की तरफ से इंप्लॉइज को तो भैया कहीं ना कहीं कंपनी इज कैरेक्टराइज बाई इट्स एथिकल कल्चर उंट इन इट्स डेली ऑपरेशन यानी कि गुड कॉरपोरेट इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस गवर्नेंस, गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी को डायरेक्ट या कंट्रोल करने के लिए बनाया गया सिस्टम तो एक अच्छा कॉरपोरेट गवर्नेंस बहुत जरूरी है ये देखना जरूरी है कि भाई क्या कंपनी कंट्रोल्ड वे में काम कर रही है या नहीं क्या कंपनी uh, सही तरीके से सही दिशा में जा रही है कि नहीं सो अब कॉरपोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है बाई विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल तो एक अच्छा कॉरपोरेट गवर्नेंस होना बहुत जरूरी है सो दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एथिक्स एंड डिक्लेयर्स इट एज इट्स इट्स क्रेडो टू मैनेजमेंट ग्रुप इट्स एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉयज एथिक्स वुड ऑटोमेटिकली परवेड दर्गनाइजेशन एंड बिल्ड अ फेयर अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर द बिजनेस बोला जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एथिक्स को एडॉप्ट करते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये उनका मोटो है या क्रेडो है टू इट्स मैनेजमेंट ग्रुप इट्स एग्जीक्यूटिव और इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है ठीक है कि भाई एथिक्स uh, को एडॉप्ट कर रहे हैं वो कंपनीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना है और वो ये बातें मैनेजमेंट को बता रहे एग्जीक्यूटिव को, इम्प्लाइज को तो एथिक्स वुड ऑटोमेटिकली परेशन एंड बिल्ड अ फेयर अमाउंट ऑफ गुड विल फॉर द बिजनेस सो ऑटोमेटिकली ये क्रिएट करती है गुडविल फॉर द बिजनेस कंज्यूमर भी बाहर से देखता है कि भाई किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी अच्छी चीजें हो रही है स्ट्रॉन्ग वर्थ एथिक के साथ काम हो रहा है तो अल्टीमेटली वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रॉन्ग है आपस में बातचीत करेंगे कंज्यूमर और, और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रांड वैल्यू है इमेज है गुडविल है वो अच्छी होगी सो मेनी गुड ऑर्गनाइजेशन ऑर्डर टू अपहेल्ड इंश्योर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे टी सी एस हो गई हमने बात की थी गूगल हो गई और बहुत सारी विप्रो हो गई बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो फॉलो करती हैं इसको सो मेनी गुड ऑर्गनाइजेशन ऑर्डर टू अपहेल्ड इंश्योर एथिकल प्रैक्टिस विद इन दिय ऑर्गनाइजेशन एंड आउटसाइड हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर देयर इंप्लाईज़ दे आर ऑलसो एक्जिस्ट एन अदर फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसको हम कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं उसके बारे में पढ़ भी चुके हैं अगर आपने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिए आई है ये कोड्स क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं गाइड करते हैं कहीं कही ना कहीं बताते हैं कि किस किस सिचुएशन में किस तरीके से काम करना क्या एथिकल है क्या है, क्या अनएथिकल uh, है ये एग्जीक्यूटिव्स और इंप्लॉइज को हेल्प करते हैं ठीक है सो दीज कोर्ट्स डू हेल्प टू मेक द इम्प्लॉज एंड एग्जीक्यूटिव सेंसिटिव टू देयर ओन बिहेवियर एंड एथिकल इंप्लीकेशन सो ये कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल मैं कह सकता हूँ जो आपको क्लैरिटी दे रहा है सो यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम बात करेंगे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक uh, की कॉरपोरेट मिशन स्टेटमेंट वो टॉपिक देखना मत भूलेगा टिल देन टेक केयर